अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए। अब वो इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ न्यू अपडेट्स आए हुए हैं, तो यार वो अपडेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकते हैं। एंड हम लोग ओल्ड अपडेट और न्यू अपडेट में कंपेरिजन भी करने वाले हैं, तो यार वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि इतने दिनों बाद मैंने चैनल पे नई वीडियो डाली है, तो लाइक करो ताकि भाई मोटिवेशन आए और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो मेरा नाम है मनीष एंड आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। ठीक है, इस वजह से कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज वाले सेक्शन में आ गया हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी फोटो को इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। एंड अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रेगुलर स्टोरीज लगाते होंगे तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यार कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंजेस हुई हैं। एंड इस वाले सेक्शन में भी काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ मेरे सेकेंडरी फ़ोन में आके आपको बताता हूँ। इस वाले फ़ोन में अपडेट नहीं आया हुआ है और इस वाले फ़ोन में अपडेट आ गया है, तो हम लोग लाइव कंपैरिजन करेंगे ना, तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि किसी भी एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कलर को चेंज कर देते हैं ताकि हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर को चूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। एंड हम लोग इसको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देते हैं। एंड अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यार चीज़ों में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यार जो म्यूज़िक वाला सेक्शन है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया, जो कि आप लोगों को पहले के अपडेट में यहाँ पे कहीं भी देखने को नहीं मिलता था। अगर आप लोगों को पहले म्यूजिक लगाना तो यहाँ वाले सेक्शन में आओ, फिर म्यूजिक वाले स्पीकर पे क्लिक करो और म्यूजिक लगाओ। लेकिन आप लोग नए अपडेट में क्या होगा कि म्यूजिक वाले सेक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में डायरेक्टली म्यूजिक को लगा पाएंगे। एंड आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यार इसमें कुछ चीज़ें गायब हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे सेव का ऑप्शन देखने का मिल रहा है और यहाँ पे आप लोगों को नए अपडेट में सेव का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा। एंड आप लोगों को यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है और पुराने अपडेट में टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे था। अगर आप लोग क्रॉस का आइकन को देखें तो पहले यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिखता था, लेकिन अब आप लोगों को बैक का आइकन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप लोग और भी चीज़ें देख सकते हैं, इफेक्ट्स का ऑप्शन जो है वो भी गायब है। पहले आप लोगों को इफेक्ट का ऑप्शन यहीं पे देखने को मिल रहा था, लेकिन इफेक्ट का ऑप्शन अभी आप लोगों को गायब दिख रहा है। तो मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि यार इसमें गायब कुछ भी नहीं हुआ है। इंस्टाग्राम ने क्या करा है, यहाँ पे थ्री डॉट्स को ऐड कर दिया। जैसे आप लोग थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आप लोगों को ड्रॉ, सेव एंड इफेक्ट के ऑप्शन जो आप लोगों को पुराने अपडेट में ऊपर ही शो कर रहे थे, वो अब आप लोगों को इस वाले सेक्शन में इंस्टाग्राम ने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें हम लोग नीचे वाले सेक्शन में देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले योर स्टोरी वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, या हमारे कलर वाले सेक्शन में आता था जो हम फोटोज वगैरह ऐड करते हैं उसी वाले सेक्शन में आता था। बट इंस्टाग्राम ने इसको अब ब्लैक वाले सेक्शन में कर दिया ताकि ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड दिखाई दें। क्लोज फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या शो करता था, सेंड टू, लेकिन अब आप लोगों को डायरेक्टली एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे स्टोरी लगाना चाहते हो तो डायरेक्टली आप लोगों को इस वाले एरो पे क्लिक करना होगा, पहले हम लोगों को सेंड टू पे क्लिक करना होता था। तो ये तो भाई फोटोज वाले सेक्शन की बात हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक वीडियो लगा के देखते हैं और वीडियोस में क्या चेंजेस हुए स्टोरीज में हम लोग वो भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली एक स्टोरी लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं एज इट इज़ यही वाली वीडियो लगा देता हूँ इस वाले सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब मैंने वीडियो का यूज़ करा तो यहाँ पे भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिखाई दे रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने अपडेट्स में आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, लेकिन नए अपडेट में वो सारे ऑप्शन गायब हैं। लेकिन एक्चुअली वो ऑप्शन गायब नहीं है, वो एज इट इज़ जैसा मैंने आपको पहले बताया था थ्री डॉट्स पे क्लिक करने का तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वीडियो वाले सेक्शन में भी यही है, जैसे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे म्यूजिक इफेक्ट्स एंड ड्रॉ एंड सेव का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था नीचे का ऑप्शन एज इट इज़ वही वैसा के वैसा ही है जैसा न्यू अपडेट में आया हुआ, लेकिन ओल्ड में ऐसा है। तो इस तरीके का ये इंस्टाग्राम स्टोरीज का न्यू अपडेट है। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम स्टोरीज के न्यू अपडेट के बारे में बता दिया एंड हम लोगों ने कंपैरिजन भी करा ओल्ड अपडेट और न्यू अपडेट का, तो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप लोगों को ओल्ड अपडेट सही लग रहा था या फिर न्यू अपडेट जो आया हुआ है इंस्टाग्राम स्टोरीज में वो अच्छा लगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये ज़रूर बताना है। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी न्यू अपडेट आए और आप लोगों को उसके बारे में सबसे पहले जानने को मिले, तो जल्दी से यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज़ डालूँ तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।